करते हैं कुछ फूड सोर्सेज के हवाले से, कुछ वाइटमिन के हवाले से और क्या क्या उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटामिन ए, वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी के सोर्सेज एंड हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। सबसे पहले वाइटामिन ए के बारे में बताते चलूँ। वाइटामिन ए जो है ये बेसिकली फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। ये आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपकी आइज को जो है वो बहुत हेल्दी रखने में, आइज की जो नर्व्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, आपकी जो आइज की जो मसल्स वीक हो जाते हैं उनको वीक होने से बचाता है। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली जितने भी हमारे पास रेड ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसके अंदर विटामिन ए रिच होता है, जैसा कि ऑरेंजेस में, कॉर्न्स में, कैरेट्स में, जितने भी हमारे रेड येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं विटामिन ए उसमें रिच होता है। इसके बाद अगर हम बी विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों जो हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे इसके आगे सब कैटेगरीज होती हैं विटामिन बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक। विटामिन बी ट्वेल्व बेसिकली आपके सेल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जो आप कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, जिनके मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रॉबेबली उनकी विटामिन बी डिफिशेंसी की वजह से ही ये सब इशूज़ आ रहे होते हैं। विटामिन बी के जो सोर्सेज होते हैं वो जितने हमारे पास रेड मीट है, रेड जितने कलर के फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, उसमें विटामिन बी रिच होता है। मीट हो गया, पर्टिकुलरली रेड मीट, इसके अलावा बीन्स जितनी भी दालें हैं उनमें हो सकता बहुत अच्छा विटामिन बी ट्वेल्व होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। जो रेड बीन्स हैं वो बी विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम फ्रूट्स में बात करते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, वाटरमेलन है, और इसके अलावा बेरीज़ हैं, ये सारे के सारे बी विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। वाटरमेलन जैसे तरबूज, आजकल गर्मी का सीज़न है और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आता है कॉमनली, तो बेसिकली इसमें एक तो वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ इसमें बी विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जिन लोगों ने बाहर जाना होता है, काम करना होता है, वो लोग तरबूज का इस्तेमाल कोशिश करें कि गर्मियों में रोज़ करें, हाफ कप या वन कप वाटरमेलन का इस्तेमाल करें। एक तो एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और बी विटामिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी उनकी, और साथ साथ में उनका जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट अगर विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी जो है बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है। विटामिन सी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे कोविड का सीज़न आया और आजकल जैसे वेदर चेंज होता है, तो यही हमने सुना बहुत सारे लोगों ने इवन इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया, विटामिन सी की टैबलेट्स बहुत इस्तेमाल की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल के सीज़न के हिसाब से भी फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितने आपके टॉक्सिन्स, मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, तो जितने टॉक्सिन्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, आपकी बॉडी से रिमूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके अलावा सेल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे आपके मल्टीपल डिजीजेस हैं उनसे लड़ने में आपको मदद दे रहा होता है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स। यहाँ पे एक मिथ क्लियर करती चलूँ, विटामिन सी का कहा जाता है कि लेमन या ऑरेंजेस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ग्वावा यानी कि अमरूद जो है वो रिचेस्ट सोर्स है हमारे पास विटामिन सी का। और अगर आप यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान में, तो ग्वावा अमरूद हमें बहुत ही ईजिली और बहुत चीप हमें मिल जाता है और हर जगह इजीली अवेलेबल भी होता है। तो कोशिश करें कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेडिसिंस की बजाय पहले नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने हमारे नेचुरल फूड्स हैं जो विटामिन सी रिच हैं उन पर जाएं। ग्वावा में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, लेमन है, पीच हो गया, इसके साथ साथ जो हमारे पास ग्रेप फ्रूट है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, जितने भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, फालसे में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल से जो हम अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी हमारे स्किन को बहुत ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इशू होता है कि डाइटिंग के बाद उनकी स्किन बहुत डल हो जाती है, तो वो इन फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा करें और ताकि उनकी स्किन जो है वो भी अच्छी रह सके। तो आज मैं आपको विटामिन डी3 के बारे में पूरी नॉलेज दूंगी कि कौन से फूड्स
फूड्स आप ले सकते हो, विटामिन D3 कैसे मेंटेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, इसकी ज़्यादती कितनी ख़राब है और इसका कम होना कितना बुरा है। सबसे पहले इसका रोल, सबको पता है कि आप में से बहुत सारों को पता है कि कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में ये काम आता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम को जज्ब करने में आपकी मदद करता है। और जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टैबलेट आते हैं जो कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों साथ दे रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि विटामिन D3 को आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए या उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सी चीज़ें हैं, क्या ऐसा हम करें कि विटामिन D3 एक्सेसिव ना रहे, जिसकी वजह से आप, और शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो किडनी फेलियर की तरफ, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, और ये कम हो जाए तो क्या क्या होता है, ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अब इस ज़माने, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, उसमें भी इम्यून बूस्टर के तौर पर विटामिन D3 दिया जाता है। अगर विटामिन D3 की कमी हो तो आपकी स्किन एज करने लगती है, आपके बाल गिरने लगते हैं, और अगर हामला खातून का विटामिन D3 कम है, अव्वल तो हामला नहीं होती, लेकिन अगर विटामिन D3 ड्रॉप हो जाए तो अबॉर्शन भी हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा प्रेगनेंसी के लिए एक बात करती हूँ कि हमेशा, वैसे तो हर लैब के अलग अलग वो हैं कि इतना होना चाहिए, डेली डोजेज इतना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज आपको पता है। वैसे तो कहा जाता है आपको मुख्तलिफ स्टडीज़ मिलेंगी, मैं जिस स्टडी को मानती हूँ वो तो कहती हूँ 5000 डेली आपको नैनोग्राम पर ml जाना चाहिए, मिलीलीटर आपका ये एक रेशो है, होना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं कि डेली डोजेज में 1000 नैनोग्राम होना चाहिए पर मिलीलीटर के हिसाब से, कुछ लोग 2000 कहते। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो क्या करें भाई, कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ लें जो इसके एब्जॉर्प्शन में आपके काम आए। तो एक वाइटल विटामिन है, विटामिन K2 जो है, वो वैसे तो गर्ड से ही बनता है, आपकी बॉडी में ही होता है। और इसके अलावा आपको ओमेगा 3 चाहिए, इसके अलावा आपको जिंक चाहिए, इसके अलावा आपको हरी सब्जियां चाहिए, और वैसे विटामिन डी की मैं बात करें, विटामिन D3 की बात नहीं करें। विटामिन D के लिए आपको जो है ना पालक, और सबसे बढ़कर विटामिन D3 सबसे ज़्यादा किस में होता है, सूरज में होता है। तो आपको जाना कब है, 9 से 11 के दौरान आप धूप में ज़रूर बैठें, और कोशिश करें कि पीठ से जो है ना धूप लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी नॉलेज आपको देने का मकसद ये था कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जोड़ों के दर्द, क्योंकि विटामिन D3 अगर कम हो तो आपके जोड़ों का दर्द होता है, आपके हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो तो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, हार्ट के लिए कम हो तो भी नुकसानदेह होता है, एन्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कितनी सारी चीज़ें इससे होती है। और अगर आप एग खाते हैं, अगर आप काउ मिल्क, यानी गाय का दूध, वैसे बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा भी अगर आप कैमल मिल्क लेते हैं, दूध की कोई भी आप जो है ना सोर्सेज आप लें, आप पपीता खाएं, हर वो चीज़ जो अल्लाह गफ़ूर रहीम ने दी है उनका इस्तेमाल करें इन अ नेचुरल वे, तो इससे आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। क्योंकि विटामिन D3 अगर कम हो, वैसे तो बोन स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, लेकिन ये आपके असाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एब्जॉर्ब होके एक्सेसिव की, जो कि हर ब्यूटी प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर सभी में ऐड होता है, और साइंटिफिक रिसर्च ने भी ये साबित कर दिया है कि सबसे पावरफुल और इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके आपके हेयर, स्किन और नेल्स के ऊपर क्या क्या फायदे हैं, ये जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसेंशियल लाइफ को सब्सक्राइब करके साथ में लगे
बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वाइटमिन डी ऑयल बहुत ही रिलायबल और इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। इसके लिए जरूरी है अगर आप इसके बेनिफिट्स अपनी स्किन, हेयर और नेल्स पर हासिल करना चाहते हैं तो 100% प्योर जो वाइटमिन डी ऑयल है वही यूज करें जो कि चिल्टन प्योर का है और इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर अगर आप बहुत ही यंग एज से ही इसे अपनी स्किन पर लगातार अप्लाई करते हैं, चाहे तो किसी भी आप इस ऑयल को किसी भी कैरियर ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल है या आमंड ऑयल में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो तब भी बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं। लंबे अरसे तक ये आपकी स्किन को यूथफुल रखता है। आप इसे मॉइस्चराइजर की जगह पर यूज कर सकते हैं और सबसे बेस्ट इस ऑयल की ये बात है कि ये फैट सॉल्युबल ऑयल है। यह आपकी स्किन में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तब भी आप इसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी पिंपल्स और आपकी एक्ने को हील करता है। और स्किन पर अप्लाई करने के साथ साथ अगर आप वाइटमिन डी ऑयल को कंज्यूम करते हैं तो इससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपनी किसी भी एज में हैं तो इसे साथ साथ अपनी डाइट में रखें और इसको बेस्ट सोर्स जो वाइटमिन डी ऑयल को हासिल करने की है वो फ्लैक्स सीड्स है। उसके लिए आप फ्लैक्स सीड एसेंशियल लाइफ सर्च करके अगर देखें तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसकी तमाम डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। एक इसकी बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर बेपनाह हीलिंग प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से अगर आप इसे रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि रात को सोते वक्त आपकी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है। और इस दौरान अगर आप इस तरह के अच्छे ऑयल्स जो जिनके अंदर के खुद एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो वो अपनी स्किन पर जब अप्लाई करके सोएंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी रात को रिपेयर होगी। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अगर आपके स्कार्स हैं एक्ने की वजह से आप इसे रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और बॉडी के ऊपर इस तरह का कोई भी कट का निशान है उसे आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऑयल को रेगुलर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके रखा करें। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप वाइटामिन ई ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें और साथ ही आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी इसमें मिक्स करके एक बहुत ही बेस्ट ऑयल अपने बालों में अप्लाई करने के लिए आप बना सकते हैं। रात को सोने से पहले अप्लाई कर लें। ओवरनाइट अच्छी बात होती है कि आप ऑयल्स को अपने सर के ऊपर रखा करें, नहीं तो कम से कम 4 से 6 घंटों के लिए जरूर अपने सर पर अप्लाई करके रखें। आपके बाल इस कदर हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और साथ ही आपके बालों को मॉइस्चराइज, हेल्दी, हाइड्रेट करके रखता है और दूसरे ऑयल्स के भी बेनिफिट्स आपके बालों को मिलेंगे। तो इस तरह आपके बालों की ना सिर्फ डैंड्रफ खत्म होगी बल्कि बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और शायद आप जानते ना हो कि जो भी आपकी स्किन के ऊपर से स्कार्स को हील करने के लिए चाहे वो ऑयल्स हो चाहे वो जेल हो कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसमें विटामिन ई की क्वांटिटी सबसे ज्यादा ऐड की जाती है। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इस तरह के जितने भी इफेक्ट या रिजल्ट्स इंस्टेंट चाहते हैं तो आपने 100% प्योर ऑयल ही अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। और चिल्टन प्योर के विटामिन ई ऑयल की एक खास बात सबसे ज्यादा ये है कि ये आपकी स्किन के एपिडर्मल लेयर में बहुत आसानी से एब्सॉर्ब होता है। ये आपकी स्किन को बहुत तेजी से हील करता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको दिखाता है। ये वो वाली प्रोडक्ट नहीं है कि आपको 1 वीक या 1 मंथ के बाद रिजल्ट्स देगी, बल्कि अगर आप इसे 2 से 3 दिन भी लगातार अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन यूवी रेडिएशन की वजह से बर्न हो गई हो, सन बर्न हो गया हो आपकी स्किन के ऊपर, अब मार्केट से जितने भी मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन वगैरह बाय करते हैं उनमें जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट या आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए जो सबसे पहला उनमें इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है वो ये विटामिन ई ऑयल है, क्योंकि इससे बेस्ट जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कोई भी और इंग्रेडिएंट इतनी तेजी से नहीं करता जितनी तेजी से ये करता है। बेस्ट इसकी बात यह है कि आप जब फीट और अपने नेल्स या हैंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत तेजी से हील करता है, इसलिए हर ब्यूटी प्रोडक्ट में खास तौर पर ऐड किया जाता है। और वो तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर के फॉर ऑल स्किन टाइप्स लिखा जाता है उनके अंदर भी विटामिन डी ऑयल सबसे ज्यादा ऐड किया जाता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को किसी तरह की भी एलर्जी नहीं करता, बिल्कुल सेफ है, स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है और ऑयली भी नहीं स्किन के ऊपर फील होता। मीन के ये बहुत ही ज्यादा थिन है जो कि स्किन के अंदर तेजी से अब्सॉर्ब होता है और ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट मॉइस्चराइजर है। बिल्कुल एक्नी नहीं आती, पिंपल्स नहीं आते और जो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बनाए जाते हैं मोस्टली मॉइस्चराइजर्स या मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जो होती हैं उनमें टी ट्री ऑयल तो ऐड किया ही जाता है
उसके जो बने इफेक्ट्स हैं उन पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन उनके साथ विटामिन ई ऑयल भी जरूर ही ऐड किया जाता है, क्योंकि एक्ने और पिंपल के बाद जो स्कार्स आपकी स्किन के ऊपर आते हैं ये उनको तेजी से हील करता है। और अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं, आपके क्यूटिकल्स यहाँ से बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो आप विटामिन ई ऑयल जब अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो अपने नेल्स के भी इन पार्ट में जरूर अप्लाई कर लें। एक तो ये आपके नेल्स को स्ट्रांग करता है, सेकंड नंबर पर आपके क्यूटिकल्स को सॉफ्ट रखता है और आपके नेल्स हेल्दी वाइट और बहुत ही खूबसूरत आते हैं। अच्छा, अगर आपके नेल्स बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप में कैल्शियम की कमी है, तो ऐसी सूरत में आपने फ्लैक्स सीड ऑयल को जो और फ्लैक्स सीड पाउडर को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। चिया सीड को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है, उनमें विटामिन ई ऑयल भी बहुत ज्यादा है, साथ ही फॉस्फोरस भी है, और उससे भी आपके नेल्स जो है वो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग रहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट यूज आपके बालों के लिए ये है कि हमेशा शैम्पू के बाद इसके 4 से 5 ड्रॉप्स आप अगर विटामिन ई ऑयल के लेकर अपने स्कैल्प में और पूरे बालों में, जैसे कि हम सीरम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपके बालों के लिए एक तो सेफ है, बिल्कुल बालों में अब्सॉर्ब हो जाता है। जब आपके बाल ड्राई होंगे तो वो ज्यादा ड्राई होकर टूटेंगे भी नहीं, आपके ये बालों को हेल्दी करता है बहुत ज्यादा। सो अपनी स्किन, अपने नेल और हेयर को खूबसूरत रखने के लिए और अपनी बॉडी जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स वगैरह को क्लियर करने के लिए हमेशा जो ऑयल है वो चिंतन प्योर का आपने खालिस ही लेना है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, केमिकल्स फ्री है और आपकी स्किन के ऊपर बेस्ट और इंस्टेंट रिजल्ट देता है। सो आपको पता चल गया कि सिर्फ एक ऑयल जो है आप इसे बेशुमार तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीरम बनाने के लिए, अपने मॉइस्चराइजर बनाने के लिए इसे डायरेक्ट भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और बेपना फायदे जो है उठा सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मैं अब आपको मिलूंगी अपनी। अब जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आ जाते हैं। इस सारे ग्रुप को हम विटामिन बी कहते हैं। इसकी कमी की वजह से, इस ग्रुप में से किसी एक विटामिन की कमी की वजह से जो जो मसले हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो तबीयत पे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन इसलिए आना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी हो, बॉडी साइन एंड सिम्टम तो दे रही होती है। विटामिन बी जो है वो हमारे मूड को बेहतर करने में मददगार साबित होता है, मूड को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। सो इसकी कमी चिड़चिड़ापन, बोझलपन जो है वो लेके आ सकती है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, खून की कमी हो सकती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, जिसकी वजह से हर वक्त थकावट, आपका कहीं पे ध्यान ना लगना, हर वक्त तबीयत में बोझलपन होना, आप सो के उठ भी गए हैं तो भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपने 12 घंटे की नींद ली है तो भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपको थकावट महसूस हो रही है, ये सब कुछ जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अब विटामिन बी, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रेफर कर रहा होता है, हमारी खुराक में बहुत सारी चीजों में विटामिन बी है। डेयरी के अंदर, दूध दही के अंदर विटामिन बी की अच्छी मकदार है। हम अगर विटामिन बी वन की बात करें तो गंदम के अंदर विटामिन बी की अच्छी मकदार होती है। इसके अलावा सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसके अंदर भी विटामिन बी वन होता है। अगर हम विटामिन बी टू की बात करें तो ऑर्गन मीट, कलेजी, गुर्दे वगैरह, उसके अंदर विटामिन बी टू होता है। इसके अलावा बीफ के अंदर और मटन के अंदर विटामिन बी टू की अच्छी मकदार मौजूद होती है। अगर हम विटामिन बी थ्री की बात करें तो वो चिकन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एवोकाडो नाम का एक फ्रूट होता है, उसके अंदर भी विटामिन बी थ्री की अच्छी मकदार मौजूद है। अगर हम विटामिन बी फाइव की बात करें तो वो दालों के अंदर मौजूद है, एवोकाडो के अंदर मौजूद है। अगर हम विटामिन बी सिक्स की बात करें तो वो चनों के अंदर, जो चने की दाल होती है उसके अंदर मौजूद है, आलू के अंदर मौजूद है और दालों के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम विटामिन B7 और B9 की बात करें तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, विटामिन B7 और B9 की बात करें तो वो हरे पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मौजूद होता है। जितने जैसे सलाद के पत्ते हो गए या बंद गोभी वगैरह हो गई, उसके अंदर विटामिन B7 और B9 की अच्छी मकदार मौजूद है। विटामिन B12 जो है वो अंडों के अंदर मौजूद होता है, फिश के अंदर मौजूद होता है, दूध के अंदर भी विटामिन B12 की अच्छी मकदार है। इसके अलावा गुर्दे जो ऑर्गन मीट है उसके अंदर भी विटामिन B12 जो है वो मौजूद होता है। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो वो सी फूड के अंदर
अंदर मछली हो गई, प्रॉन्स वगैरह हो गए, उसके अंदर वो मौजूद होता है। डेयरी दूध दही के अंदर उसकी अच्छी मिकदार होती है, अंडों के अंदर उसकी अच्छी मिकदार होती है। अब इतना बड़ा ग्रुप, इतने सारे ग्रुप्स के अंदर वाइटमिन बी मौजूद है, यूजली इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, कोई हम मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से वाइटमिन बी की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। बहुत सारी जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी वाइटमिन बी की एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है, बहुत सारी मेडिसिन इसमें आ जाती हैं। जो बड़े होते हैं, जो 50 से अबव जिनकी एज होती है, वो वैसे भी विटामिन B12 वैसे अब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई होती है, तो उनमें भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जाती है, और यूजली पट्ठों की दर्द वगैरह जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी के साथ रिपोर्ट किए जा रहे होते हैं। अगर आपको भी कोई इस किस्म के मसाइल हैं, तो आप विटामिन बी जो है उस फूड ग्रुप पे, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ में ऑलमोस्ट मौजूद है, बस बैलेंस डाइट की तरफ अगर आप आ जाते हैं, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी की जा सकती है। बस बैलेंस डाइट लें, रोटी चावल उसके अंदर सब होने चाहिए, दूध दही का अच्छा सेक्शन होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, गोश्त का अच्छा पोर्शन लें, तो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।